मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बी एड फर्स्ट ईयर के पेपर कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन समकालीन भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं जॉन डेवी के शिक्षा संबंधी विचारों के अंतर्गत, क्योंकि इसके पहले के वीडियो में हमने जॉन डेवी का परिचय और उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है उस चीज को हम समझ चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है, शिक्षा के उद्देश्यों के साथ में उन्होंने उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर किस तरह का पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां आदि का निर्धारण किया, हम इनके बारे में चर्चा करें। तो जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के संभव नहीं, इसीलिए शिक्षा का अगर हम सही मायने में, सही अर्थ में अगर शिक्षा का उपयोग हम चाहते हैं तो निश्चित है कि वह एक उद्देश्य आधारित होनी चाहिए। तो इसी पर, इसी दृष्टिकोण से जॉन डेवी ने भी शिक्षा के कुछ उद्देश्यों पर चर्चा की। पहला उद्देश्य जो उन्होंने दिया था वह अनुभवों की का पुनर्निर्माण। अनुभवों का पुनर्निर्माण कि जैसे कि किसी भी चीज में, किसी भी क्रिया, प्रयोग, व्यवहार, कार्य के माध्यम से बालक कोई ना कोई अनुभव प्राप्त करता है। अब अनुभव का पुनर्निर्माण यानी कि जो पूर्व में हमने अनुभव प्राप्त किया है, दोबारा जैसे हम उस कार्य को कर रहे हैं तो उस कार्य को करने में कुछ नए अनुभव प्राप्त होते हैं, फिर दोबारा करने में फिर कोई और नया अनुभव प्राप्त होता है। इस आधार पर उन अनुभवों के निरंतर पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया है वह शिक्षा के माध्यम से होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक के अनुभवों का निरंतर रूप से पुनर्निर्माण होता रहे, जिससे कि अनुभवों की जो एक कहना चाहिए कि संकुल या एक जिस अनुभव जीवन को सफल बनाने के लिए जिन अनुभवों की आवश्यकता हो वो अनुभव उसके पास कायम रहे या उन अनुभवों की प्राप्ति उसे हो, यानी कि निरंतर रूप से। अब ऐसा नहीं कि जब तक शिक्षा अर्जित कर रहे हैं तब तक ही आप, या विद्यालय शिक्षा अर्जित कर रहे हैं तब तक ही आपके अनुभव निर्मित हो रहे हैं या पुनर्निर्माण हो रहे हैं, नहीं, जब तक आप सीख रहे हैं और सीखने की प्रक्रिया मृत्यु तक निरंतर रूप से जारी रहती है, अर्थात कि जब तक आप कुछ सीख रहे हैं तो निरंतर आपको नए अनुभव होते हैं और यही नए अनुभव अनुभवों का पुनर्निर्माण करते हैं। इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य है कि अनुभवों का पुनर्निर्माण करना। अगला जो है वातावरण के साथ अनुकूलन। वातावरण के साथ अनुकूलन यानी कि जो वातावरण आपके सराउंडिंग में है, आपके आसपास में है, आप जिस जगह पर, जिस जैसे कि किसी व्यावसायिक क्षेत्र में है या किसी अन्य सामाजिक समुदाय के समूह के साथ में है, जहाँ भी है वहाँ का अपना एक निश्चित वातावरण होता है, उस वातावरण के साथ समायोजन या उसके साथ अनुकूलन स्थापित करना ही व्यक्ति के लिए उसके व्यक्तित्व निर्माण या उसके जीवन की सफलता में बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है। अर्थात कि बालक व्यक्ति वही जो कि समायोजन कर सके, या सफल व्यक्ति, या यूं कहा जाए कि एक सुनागरिक अच्छी सामाजिक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, जैसे कि वो समाज में है, सामाजिक वातावरण के साथ जहां अनुकूलन स्थापित कर लेता है तो समाज के द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है, अगर वहां अनुकूलन नहीं करता है तो उसे समाज के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, अर्थात उसके कार्य, उसके व्यवहार या जिस कार्य को लेकर उसने समाज का प्रति विरोध किया है वहां पर उसे समाज के द्वारा कहना चाहिए कि आलोचना का पात्र बनना पड़ता है। तो यही चीज है कि अनुकूलन, वातावरण जिस भी जगह पर खड़ा है व्यक्ति, वहां के वातावरण के साथ वह समायोजन कर ले, वही शिक्षा है, अर्थात कि उसे समायोजन करने का प्रशिक्षण प्रदान करे, क्षमताओं का विकास करे, वही शिक्षा है। अगली बात आती है इसमें, वह है
सामाजिक कुशलता की प्राप्ति। सामाजिक कुशलता की प्राप्ति, सामाजिक कुशलता की प्राप्ति, क्योंकि जॉन डेवी ये मानते थे कि बालक को किसी प्रतिबंधित वातावरण में शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती, वो समाज के अनुभवों के आधार पर या समाज से अंतर्क्रिया के माध्यम से वह बहुत कुछ सीखता है। तो यहीं पर, क्योंकि उनकी शिक्षा के दो पक्ष उन्होंने मूल रूप से रहे, व्यक्तिगत गुण जो उसकी आंतरिक शक्तियां हैं उनका विकास करना, और दूसरा था सामाजिक पक्ष, सामाजिक पक्ष में सामाजिक मूल्यों का विकास करना। तो वही चीज है कि सामाजिक कुशलता का की प्राप्ति होना, कि चाहे उसके व्यक्तिगत गुणों का कैसे भी विकास किया जाए, लेकिन उन गुणों का विकास इस तरह से किया जाए कि सामाजिक मूल्यों का समावेश उनमें हो, अर्थात कि बालक उन सामाजिक मूल्यों को अपना सके, सामाजिक मूल्यों के अधीन या सामाजिक मूल्यों के अनुकूल अपनी रुचि अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करे और उसी अनुकूल उसकी क्षमताओं का विकास करे। इसीलिए शिक्षा वह जो व्यक्ति के सामाजिक मूल्यों का विकास कर सके। अगली चीज है उसमें उद्देश्य परिवर्तित हो, उद्देश्य परिवर्तित हो, क्योंकि उद्देश्य काल समय परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है, अर्थात परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर उस नियम के साथ अगर शिक्षा नहीं चलती है तो निश्चित है कि वह उपयोगी या कारगर नहीं होगी। इसीलिए शिक्षा की उपयोगिता या उसको कारगर बनाने के लिए अनिवार्य है कि उसके उद्देश्यों में भी जो परिवर्तन की प्रक्रिया है उसके साथ में इन्हें चलना होगा, अर्थात उसी अनुकूल उद्देश्यों में भी परिवर्तन होना चाहिए। और पांचवा है इसमें अंतिम जो है स्वीकारात्मक नैतिकता, स्वीकारात्मक नैतिकता अर्थात कि जो ऐसे नैतिक संस्कार या मूल्यों का विकास करना जिसको कि समाज समुदाय राष्ट्र के द्वारा स्वीकार किया जाता है, यानी कि जिसके द्वारा जिसकी अपेक्षा एक समाज एक राष्ट्र या समुदाय एक व्यक्ति में जिन मूल्यों की नैतिक संस्कारों और नैतिक मूल्यों की अपेक्षा करता है, ऐसे मूल्यों का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। इन्हीं आधारों पर, शिक्षा के इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर जॉन डेवी ने पाठ्यक्रम की संरचना पर भी ध्यान दिया कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम की चर्चा करते हुए सबसे पहला जो उन्होंने कहा था, उन्होंने पाठ्यक्रम की निश्चित रूपरेखा, ऐसा नहीं कि ये विषय होने चाहिए वो विषय होने चाहिए, नहीं, उन्होंने ये पाठ्यक्रम की जो संरचना की या पाठ्यक्रम के निर्माण पर जो उन्होंने सिद्धांतों के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण की चर्चा की, अर्थात कि जॉन डेवी ने निश्चित पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने की बजाय पाठ्यक्रम के सिद्धांत प्रस्तुत किए कि पाठ्यक्रम का निर्माण अब इन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। तो सबसे पहला जो इनका सिद्धांत था रुचि का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, ठीक है ना। पाठ्यक्रम में सबसे पहली बात थी कि पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय बालक की रुचियों को ध्यान में रखा जाए कि बालक किस चीज को किस बात में किस तरह के तथ्यों में रुचि रखता है, उसी तथ्यों के माध्यम से जो हम सिखाना चाहते हैं, जिस विषय या प्रकृति से वो रुचि रखता है उसी के अनुकूल से उसके पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए, जिससे कि बालक को उसकी रुचि के अनुकूल ज्ञान अर्जित करने के अवसर प्राप्त हो सके। दूसरा पाठ्यक्रम का जो इन्होंने उद्देश्य सिद्धांत काम का उपयोगिता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, यानी कि पाठ्यक्रम वही जो उपयोगी हो, बालक के जीवन में उपयोग आने लायक हो, ऐसा ही पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए, जिसका कोई भविष्य में कोई उपयोग नहीं है, वर्तमान में कोई उपयोग नहीं है, भविष्य में कोई उपयोग नहीं है,
ऐसे पाठ्यक्रम का कोई प्रयोजन नहीं होता है। इसीलिए जॉन डेवी ने कहा कि पाठ्यक्रम वह का निर्धारण करते समय उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखना चाहिए कि वह बालक के लिए उपयोगी होना अनिवार्य है। अगला सिद्धांत जो उन्होंने दिया था वह क्रियाशीलता का सिद्धांत है। क्रियाशीलता का सिद्धांत अर्थात कि पाठ्यक्रम में क्रियाशीलता हो, यानी कि बालक को करके सीखने के समस्त संभावनाएं जिसमें उपस्थित हो ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। यानी कि पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय प्रयोगात्मक या क्रियात्मक सभी पक्षों को पूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। और अगला सिद्धांत उनका था एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत इसको हम सहसंबंध का सिद्धांत भी कह सकते हैं। यानी कि ये एकीकरण, यानी कि विषयों के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। हम सुविधा के अनुसार अलग अलग भागों में हम विषय की एक समान प्रकृति वाले सभी प्रकरणों को एक विषय के अंतर्गत रख कर उसे उस विषय का नाम दे देते हैं, लेकिन सभी एक दूसरे से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं संबंधित होते हैं। इसीलिए इस एकीकरण के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि एक विषय से दूसरे विषय की जो आवश्यकताएं हैं वो सुगमता से सरलता से पूर्ण हो सके और विषयों को समझना जानना सरल हो सके और रुचिकर बन सके। अब जब पाठ्यक्रम का निर्धारण जो है इन सिद्धांतों के आधार पर करने की बात करते हैं तो वही वे शिक्षण विधियों पर भी विशेष रूप से चर्चा करते हैं कि शिक्षण विधियां भी बालक के लिए उपयोगी होनी चाहिए, जिनसे कि बालक का उचित विकास हो, बालक शिक्षा को बोझिल होकर ना समझे। इसीलिए शिक्षण जॉन डेवी के अनुसार शिक्षण विधियां, क्योंकि आप कितना भी उद्देश्य आधारित पाठ्यक्रम का निर्धारण कर ले, सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्धारण कर ले, लेकिन जो शिक्षण विधियां हैं अगर वे कारगर नहीं है, उपयोगी नहीं है या बालक के अनुकूल नहीं है तो उनका जो प्रभाविता है वो कम हो जाती है। इसीलिए इस प्रभाव को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है कि पाठ्यक्रम के कुछ निश्चित विधियों मतलब विषय वस्तु को समझाने के लिए शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कुछ शिक्षण विधियों पर चर्चा करी या बताई, उसमें पहले क्रिया द्वारा सीखना, क्रिया द्वारा सीखना, यानी कि उनका सिद्धांत जो पाठ्यक्रम निर्माण का था कि क्रियाशीलता का सिद्धांत, वही चीज यहाँ पर शिक्षण विधि में है कि क्रिया द्वारा सीखना, किसी न किसी क्रिया प्रयोग या कार्य करके, यानी कि अपने हाथ पैरों का उपयोग करके बालक वस्तुओं को उठाए, धरे, उसमें उपयोग में लेकर और उसके बारे में सीखे, अर्थात सीखने की प्रक्रिया में क्रिया का होना या क्रिया के माध्यम से सीखने की विधि का उपयोग किया जाना चाहिए जो बालक के ज्ञान को स्थायी रूप प्रदान करने में कारगर है। दूसरी शिक्षण विधि है स्व अनुभव द्वारा सीखना। स्व अनुभव द्वारा सीखना, यानी कि जिसमें बालक स्वयं अनुभव प्राप्त कर सके, एक अध्यापक के द्वारा अनुभव प्रदान नहीं किया जाए बल्कि बालक स्वयं किसी कार्य को करके उसकी प्रयोग में लाकर और उसका अनुभव प्राप्त करें, उसके बारे में स्वयं जानकारी हासिल कर सके, तभी वह ज्ञान स्थायी और रोचक होता है। इसीलिए बालक के लिए जो है उन्होंने जो शिक्षण विधि का यहाँ पर उल्लेख किया वह स्व अनुभव आधारित शिक्षण विधि का उल्लेख किया। अगली शिक्षण विधि प्रयोग द्वारा, प्रयोग द्वारा सीखना। अब यहाँ पे भी देखिए क्रियाशीलता का पक्ष प्रबल है, क्योंकि प्रयोग करना, यहाँ पर किसी कार्य को करके सीखने की बात है, यहाँ पर प्रयोग करने की बात है कि बार बार जैसे विज्ञान के विषय में प्रयोग के माध्यम से बालक बहुत चीजों को समझता है कि जैसे
पानी का निर्माण किन किन गैसों से मिलकर होता है, कौन कौन से जो केमिकल्स को मिलाने के लिए क्या रिएक्शन होता है, जब तक इन चीजों को वो प्रयोग नहीं करेगा तब तक वह चीजें उसे समझ में नहीं आएगी। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने प्रयोग विधि पर भी बल दिया है, क्योंकि प्रयोग विधि क्रियात्मक विधि है, इसमें बालक को स्वयं करके अनुभव भी प्राप्त होते हैं और स्वयं करने के अवसर प्राप्त होते हैं। अगली विधि है योजना विधि। योजना यानी कि वही प्रयोजना विधि जिसमें कि अध्यापक के द्वारा कोई प्रयोग दिया जाए, कुछ कार्य करने को दिया जाए और बालक के द्वारा स्वयं शिक्षक के मार्गदर्शन में उस कार्य को पूर्ण किया जाए, उस कार्य की पूर्ण करके कार्य को करके और उससे संबंधित जानकारियों को स्वयं एकत्रित करें। अर्थात कि किसी भी तरह से अगर हम चारों विधियों पर देखते हैं तो चारों विधियों में उन्होंने मूल रूप से बालक केंद्र में है, जैसे बालक को स्वयं को स्वयं के द्वारा कार्य करके और सीखने के समस्त अवसर यहाँ पर उपलब्ध होते हैं, उसी बात पर उन्होंने बल दिया। यहाँ पर हम अनुशासन की बात भी कर लें। अनुशासन के बारे में अगर बात करें तो अनुशासन में स्व अनुशासन पर अधिक बल दे देते हैं। स्व अनुशासन पर बल, कठोर या कठोर दंडात्मक व्यवस्था के माध्यम से अनुशासन में रखने के कट्टर विरोधी थे और ये इनका इस पर स्पष्ट कहना था कि बालक को स्व अनुशासन में रखने की आदत होनी चाहिए, अर्थात कि बालक को इस तरह से शिक्षा प्रदान की जाए कि वो स्वयं को क्रिया या कार्यों के अंतर्गत व्यस्त रखें, जिससे कि उसमें अनुशासनहीनता की विचारधाराएं या कहना चाहिए कि जिसमें हम ये कह सकें कि बालक को जबरदस्ती हमको अनुशासन में रखने की दंड की किसी तरह की आवश्यकता हमें अनुभव ना हो, यानी कि शिक्षा की पद्धति इस प्रकार से हो या बालक के साथ इस तरह से मार्गदर्शन या दिशा निर्देश प्रदान किए जाए या उसे इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए कि उसमें स्व अनुशासन का अभ्यास हो या उसकी आदत पड़ जाए। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। हम यहीं तक आज अपनी बात को रखते हैं, इसके बाद कल के वीडियो में हम उसका विद्यालय शिक्षक कैसा होना चाहिए और शिक्षा में क्या योगदान है इस पर हम चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। इसी के आधार पर आज क्योंकि इसमें हम कल ही इसका एक ही सिंगल प्रश्न देंगे जिसमें कि इस आसान रहेगा, तो अपनी बात को समाप्त करने से पहले COVID-19 की महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें, बहुत अधिक आवश्यकता होने पे घर से निकलें, घर से बाहर निकल रहे हैं तो तीन बातों का ध्यान रखें, मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।